प्यारे दोस्त नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल सागर और यहाँ पर आप रोजाना देखते रहते हैं अजब गजब अटपटे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों के बारे में। मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपने शायद ना सुनी होंगी, ना आपको किसी ने बताई होंगी। अगर हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत। भारत का नक्शा आपने देखा होगा और उस नक्शे के अंदर भारत की अगर लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है अगर नापा जाए, उत्तर दक्षिण उत्तर से खड़े होकर के दक्षिण की लंबाई नापे, तो दोस्तों वो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारत के नक्शे में पूरब से पश्चिम तक की अगर लंबाई देखें तो वो है 2933 किलोमीटर। दोस्तों एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। यहाँ पर रोजाना आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो बात कर सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं, चंद्रमा का मैंने एक सर्कल बनाया है और इस चंद्रमा के मैं आपको बताऊँ, अगर चंद्रमा की हम व्यास नापें, व्यास क्या होता है, व्यास एक कोने से दूसरे कोने तक का, अगर एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे वो दोस्तों व्यास है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3474 किलोमीटर। तो दोस्तों ये चंद्रमा का पूरा व्यास है। अब बात करते हैं त्रिज्या की, यानी कि एक चंद्रमा का एक तिहाई हिस्सा, अगर एक कोने से चंद्रमा के बीच में पहुंचे तो उसकी लंबाई है 1737 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसकी परिधि की। चंद्रमा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर एक बिंदु से हम चारों तरफ घूम करके उसी बिंदु पर वापस पहुँचे तो उसकी लंबाई है 10921 किलोमीटर। तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि चंद्रमा कितना बड़ा है। एक छोर से एक छोर से चारों तरफ घूम करके जैसे ही उस छोर पर वापस पहुँचेंगे तो वो लंबाई 10921 किलोमीटर बैठ जाएगी। अब बात करते हैं पृथ्वी की। चंद्रमा से बड़ी पृथ्वी है। तो पृथ्वी की दोस्तों अगर बात करें, इसका जो व्यास है एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम जाते हैं तो उसकी लंबाई बैठेगी 12742 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसकी त्रिज्या, यानी कि सूर्य के एक कोने से अगर सूर्य के बीच में आते हैं तो उसकी लंबाई है पृथ्वी के एक कोने से और बीच में आते हैं तो उसकी लंबाई है 6371 किलोमीटर। अब बात करते हैं पृथ्वी के एक कोने से, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम एक कोने से चलें और पृथ्वी का चारों तरफ का चक्कर लगा करके उसी कोने पर वापस आएं तो उसकी लंबाई हो जाएगी 40075 किलोमीटर। ये दोस्तों रियल है, आप इसको कहीं पर भी खोज सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अपने बच्चों को किसी को भी दिखा सकते हैं। तो जो पूरी परिधि है चंद्रमा की मैंने आपको बताई थी वो है 10921, और पृथ्वी की जो पूरी परिधि है जो एक पूरा राउंड है वो है 40075 किलोमीटर। अब बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों पृथ्वी से सूर्य लगभग 100 गुना बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर पर जाएं, सीधे बीच से निकलें, तो वैसे हम निकल नहीं सकते, गणना कर रहे हैं, सूर्य के एक किनारे से दूसरे किनारे की लंबाई जिसे हम व्यास कहते हैं वो व्यास है 13,91,016 किलोमीटर। अब बात करते हैं सूर्य की त्रिज्या की, यानी कि सूर्य के एक कोने से अगर हम सूर्य के बीच में पहुंचते हैं, जो एक त्रिज्या होती है उसकी लंबाई है 6,95,508 किलोमीटर। अब बात करते हैं सूर्य की परिधि की। अगर हम सूर्य के एक किनारे से खड़े होकर के सूर्य का पूरा चक्कर लगाकर आए तो उसकी लंबाई हो जाएगी 43,79,000 किलोमीटर। अब इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पूरी जो परिधि है, पृथ्वी का पूरा एक राउंड है वो है 40,000 लगभग ये पूरा कंफर्म है 40,075 किलोमीटर, और सूर्य की पूरी एक परिधि है, सूर्य का पूरा एक राउंड लगता है तो उसकी दूरी बनती है 43,79,000 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारा जो सूर्य है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य दोस्तों जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें हमें मिलती हैं पूरी पृथ्वी पर पूरी दुनिया में, वो सूर्य का कुल 2% हिस्सा पृथ्वी पर उसकी किरणें पड़ती हैं, जो कुल 2% है, और वही दोस्तों इतनी गर्मियों में इतनी गर्मी पैदा कर देता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सूर्य कितना गर्म है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।